नाला यहाँ बंद पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसका बैकअप पानी इधर आता है। हर हफ्ते ही हम कंप्लेन करके आते हैं लेकिन कोई सुनते नहीं है। सब आगे चले जाते पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ इंसान जानवर ही रह सकता है, इंसान तो रह नहीं सकते। सिस्टर्स वगैरह हमारी कुछ उनका रिश्ता आते सर मना कर देते हैं, वहाँ कौन जाए, गंदगी बहुत है। नलके के अंदर भी ये पानी आ जाता है ना, हम इसको पी सकते ना, हम इससे काम कर सकते। तो एनी टाइम यहाँ पे सीवर भरा ही मिलता है और इतना गंद देखना यहाँ पे आपको खुद को दिख रहा होगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम है यश असानी और आप देख रहे हैं तेज़तर्रार, जहाँ हम दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। अक्सर आपने राजधानी दिल्ली में गंदगी और गंदे नालियों की पानी खबर जरूर सुनी होगी, लेकिन अगर ऐसे में इन गंदी नालियों का पानी आपके घर तक आ जाए तो उस पर क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी? इस वक्त मैं मौजूद हूँ वजीरपुर के जे कॉलोनी इलाके में, जहाँ पर लोगों के घरों में इतना गंदा पानी भर रहा है जिनके कारण उनको बीमारियाँ और कई दिक्कतें हो रही हैं। तो आइए इन निवासियों से जुड़ते हैं और इस मामले के बारे में पूरा विस्तार से जानते हैं। ये जो मेरे पीछे मुझे गंदा पानी देखने को मिल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है और कब से मतलब ये समस्या जारी है? ये पिछले 4 सालों से जारी है और ये नाला यहाँ बंद पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसका बैकअप पानी इधर आता है। पहले यहाँ पे भर जाया करता था, अब यहाँ पे हमने ऊंचा करा दिया था, अब यहाँ भरने लग गया है और इसकी वजह से बीमारियाँ हो गई हैं घर के अंदर, सब लोग बीमार हो गए हैं। इसको हमने MCD में भी कई बार जाके इसको रोज हर हफ्ते ही हम कंप्लेन करके आते हैं लेकिन कुछ सुनते नहीं है। जी उनको बोलते रहते हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आता। वो कहते जी हम करने हैं, आगे हम कार्रवाई कर रखी है, टेंडर पास होना है, जियो आएगा, कुछ वो आएगा, कोई ये आएंगे, सब आके चले जाते पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आते हैं 5-6 जने लोग आते हैं, उनके मतलब स्टाफ को कोई ना कोई आता है, देख के चले जाएगा, हाँ यहाँ से लाइन जाएगी, वहाँ से वो जाएगा, हर 2 महीने में वो आते हैं और कार्रवाई कुछ नहीं होती, बस आके सकल दिखा के चले जाते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं है। मतलब आपका पक्ष उन्होंने जानने की कोशिश की सही से कि नहीं की? पक्ष जानने की कोशिश क्या, वो सुनते ही नहीं है, भगाते हैं वहाँ से। मेरे एक ब्रदर है, अभी वो है नहीं यहाँ पर, उनको तो मतलब लड़ाई करके मतलब हाथापाई करने पर उतारू हो गए थे, नीतू आजाद थी। मतलब जितनी बार भी आप अपने समस्या को ले गए आपको या तो टाल रहे हैं या तो आपका पक्ष सुना ही नहीं जा रहा जी। बिल्कुल जाओ ऑफिस, जाओ राजेश गुप्ता के मिलते हो ऑफिस में, कभी मिलते हैं ही नहीं। जैसे आपके पूरे घर के बाहर जो एंट्री है उसमें पूरा गंदा पानी, आपको आने जाने में कितनी समस्याएं हो रही हैं? आने जाने में समस्या क्या, रहा नहीं जा रहा है यहाँ पर, रहा ही नहीं जा रहा। फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड वो अपना शिफ्ट हो रखे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर जगह ही नहीं रहने की, रहे कैसे यहाँ पे? आप देखो ना, आप अगर हम यहाँ रह सकते हो बताइए मुझे आप। यहाँ इंसान जानवर ही रह सकता है, इंसान तो रह नहीं सकते। अब उन जानवरों से भी बेकदरी है हमारी, ये देखो जरा, ये देखो। और अभी तो पानी भैया बहुत साफ नहीं, तो पोटियाँ बहती है इसके अंदर, पानियों के अंदर, मतलब पूरा गटर का पानी इसके अंदर छोड़ा जा रहा है, पूरा गटर। बिल्कुल पूरा गटर का पानी। नलकों में भी अब ये गंदा पानी आना शुरू हो गया है, तो उसकी क्या बात है? घर में ये पानी लाइन एक जगह और सीवर लाइन भी एक जगह है, तो नलके के अंदर भी ये पानी आ जाता है ना, हम इसको पी सकते ना, हम इससे काम कर सकते हैं, बहुत परेशानी होती है। पानी पड़ती है और पिछले 15 दिन से ये मामला है सामने। ये आपको बताऊं, ये रोज पानी भरता है, 4 साल से रोज भरता है पानी, ये अराउंड 2 बजे दोपहर में अपना पानी वापसी बैकअप ले लेता है, वापसी बैक हो जाता है। अब ये 20 दिन से कम ये पानी जा ही नहीं रहा, यही है। और आज भैया सफाई करवाइए, कूड़ा इतना था इस पानी के अंदर, आज सफाई करवाइए सारी ये निकलवा के, क्योंकि इतनी स्मेल और मच्छर इतने थे, यहाँ दवाई डलवाइए सुबह मॉर्निंग के अंदर, अपने खुद के पैसों से, खुद के पैसे सफाई करवाइए यहाँ पर, हर घर से पैसे लेकर वो करवाया। मतलब सरकारी कर्मचारी की अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं, 20 दिन का समय हो चुका है अभी तक कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। 20 साल नहीं, 4 साल का हुआ, आप 4 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं पर कोई भैया यहाँ पे कोई, जैसे सिस्टर्स वगैरह हमारी कुछ उनका रिश्ता आते सर मना कर देते हैं, वहाँ कौन जाए, गंदगी बहुत है। इस चीज को लेकर भी मना, इस चीज के लिए भी ऑब्जेक्शन हो चुके, भैया रिस्पे कौन करेगा, वहाँ इतनी गंदगी कौन जाएगा कैसे? मशीन के लिए क्या बता रही हैं आप, कि क्या बताया आपको? नो कह रहे हैं एल ब्लॉक में लगाइए, बी ब्लॉक में लगाइए, बस लगा के सारा दिन लगा के पता नहीं साफ करते हैं कि नहीं करते, ये पता नहीं हमें। मशीन लगी होती है, जाएंगे हमारे लड़के जाते हैं सारे, ये रोज जाएंगे, कम से कम 10 बंदे जाते हैं रोज के, अभी आ रहे आधे घंटे में। जल बोर्ड तक गए हम, वहाँ भी कह दिया अभी तुम चलो, आधे घंटे में आ रहे हैं, वो आधा घंटा अभी तक हो रहा है। यहाँ का पार्षद कौन है? अभी तो मेरे को पता नहीं कौन सा जी, राजेश गुप्ता। और विधायक कौन है यहाँ का? राजेश गुप्ता, नीतू आजाद है। इन्होंने भी आपकी समस्या जानने की कुछ कोशिश नहीं की? कुछ भी नहीं करा, कोई सुनवाई है ही नहीं भैया, लड़ते हैं बल्कि सुनाई नहीं करते। पूछो इनसे, इनके घर के बच्चे सारे बीमार है, देखो सारे बच्चे बीमार हैं इनके घर के। क्या क्या दिक्कत हो गई आपके बच्चों को? बच्चों को बुखार है और तबीयत खराब है इनकी बहुत, लाइटिंग वगैरह भी लगी पड़ी है, गंदा पानी, मच्छर है यहाँ पर, मच्छर काटते हैं और यही पानी, ये देखो इन्फेक्शन हो गया था इनको। कोई भी आने जाना हो ना उनकी आती है, और सबसे ज्यादा ये इससे आ रहा पानी, इधर का भी बाथरूम का भी इधर ही आता है। तो आपके घरों में भी घुस चुका है गंदा पानी? ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये देखिए आगे भी घर है हमारे, कई घर पानियों के अंदर ही है। सर ये देख लीजिए, अभी तो मानसून से पहले का वो है, और मानसून आएगा तो क्या होता है, लोगों के घरों में बेडरूम में पानी चला जाता है। यहाँ पे मेरी 4 इयर्स की बेटी डॉटर है, उसको भी ये मस्कीटो की वजह से फीवर आ चुका है, ठीक है, पैर में इन्फेक्शन हो गया है और 4-5 दिन से लगातार जा रहे हैं,
गाड़ी आती है सफाई वाली, वो कहते हैं जी हम ये प्रेशर से पानी निकाल रहे हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं वर्कर आके खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई जी चाय पीने चला गया, बस उनका ड्यूटी टाइम खत्म होता है, उसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं चले जाते हैं। जेई साहब भी आए थे, जेई साहब को यही नहीं पता कि ये ड्रेनेज सिस्टम का हमारा वो कहाँ किस लाइन से जा रहा है उनका, यही नहीं पता बिल्कुल भी। क्या मतलब कंप्लेन की थी आपके हस्बैंड ने कि वो हाथापाई पे उतर आए? हमने ये बोला कि भाई पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है, आप वहाँ के बारे में कुछ करो, तो वो फोन पे बात कर रहे थे, वो फोन पे बात करते करते हम आपस में मेरे हस्बैंड और मैं बात करने लगे, तो यूँ कह रहा बकबक करने में लगा हुआ है, तुझे दिख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, तो उसने बोला मैं आप अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी कुछ इस बारे में कह रहा हूँ कि तेरी ये बकबक क्या हम सुनेंगे यहाँ पे, चल जाए यहाँ से निकल, जब भी देखो तुम भीड़ इकट्ठी करके ले आते हो। ये पानी अंदर घुसा पड़ा है, अंदर जी यहाँ भी पानी घुसा पड़ा है, इधर भी सारे में घर में पानी है, मच्छर खा जाएंगे, मच्छर ले जाएंगे, कहाँ से होगा, कोई बच्चा निकल गया, कोई बच्चा निकल गया तो कौन भी आएगा, कौन आएगा बचाने के, हाँ इस बच्चे को मच्छर ने डेंगू ने काट लिया है, क्या हो गया, कोई पूछने भी नहीं आता है, इतनी भीड़ रहती है, इतनी पब्लिक रहती है, लाते आते हैं हाथ जोड़ते हैं, मतलब इतनी बीमारियों के बाद भी वो अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं ले रहे हैं आपके मुताबिक अभी तक का? हाँ जी हाँ जी, ये बात है। और इलेक्शन के टाइम उनका क्या होता है? इलेक्शन के टाइम पे तो इतनी भीड़ होती है, तुम इलेक्शन आने वाला होगा ना भैया, तो यहाँ पर गाड़ियाँ लग जाएगी, पांच दिन पहले इस गली को क्लियर कर देंगे, पांच दिन के लिए क्लियर कर देंगे, पांच दिन पानी नहीं भरेगा, इलेक्शन खत्म होने, इलेक्शन के बाद जो उनकी रैली निकलती है उसके बाद खत्म, रिजल्ट होने के बाद दोबारा पानी पड़ जाएगा यहाँ पे। इलेक्शन के टाइम तो यहाँ पानी भर नहीं सकता क्योंकि वो उतनी सफाई है, वो मशीनें लगवा देंगे बाहर, मशीनें लगी रहती है, वो मशीनें लगी भी छोड़ देंगे हमेशा के लिए, हफ्ते भर के लिए, मशीन जितना भी है पानी रुके ना, उसके बाद फिर दोबारा यही हाल होता है। अच्छा मतलब इलेक्शन के टाइम यहाँ प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, उसके बाद आपसे मतलब नहीं कि आपको क्या पूछा जाए? मशीनें लगती है तो मशीन से कंटिन्यू क्या होता है, वो सफाई होती रहती है, तो मशीन परमानेंट छोड़ देते लगा के वहाँ पर, अब तो कोई मेंटेनेंस नहीं मशीन की भैया, वो उनको पता होगी क्या है, पर अब तो कोई मतलब आप तो बोल के चले जाओ अगर मशीन लगा दे तो बहुत गनीमत है, लगाएंगे नहीं लड़ेंगे ऊपर से। पीने का पानी भी गंदा आता है, पीने का पानी जैसे पीने का पानी भी इतनी बदबू, इतने स्मेल आ रहा है पानी के अंदर, आप सोच ही नहीं सकते इस चीज़ के बारे में, तो इतना मतलब इतना गंदा पानी, इतना गंदा पानी, अब लाइन यहाँ जाएगी तो आप समझदार देखो पानी का क्या पानी आएगा जी, तो पी भी नहीं सकते जी। कितने दिनों से हो गई ये समस्या? कितने दिन हो गए ये भाई जी? कई साल हो गए, ये तो 3-4 साल से ऐसी है, मगर ये है कि कभी भरता है कभी बंद हो जाता है, मगर 15-20 दिन से तो इसमें ना हम आ जा सकते ना जा सकते, बच्चे स्कूल जाते गिर जाते, वो स्कूल छोड़ने जा रहे थे अपने बच्चों को, वो पानी में गिर गई, स्लिप हो गया पैर, 4 साल से ये भरता है और फिर पानी निकल जाता फिर भर जाता है, मगर ये इसका काम नहीं हुआ, यूँ बोलता है सड़क बनवाएंगे गली बनवाएंगे, कुछ नहीं होता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते इस चीज़ के बारे में, परमानेंट भरा रहता है, बच्चों को भी इतनी दिक्कत है, कई बार तो स्कूल जाते जाते बच्चे गिर जाते हैं, दोपहर में आएंगे जब भी गिर जाएंगे या सुबह मॉर्निंग में जाएंगे जब भी गिर जाएंगे। आपने कहाँ पे शिकायत की है? एक्सीडेंट में की है। क्या कहा उन्होंने फिर इसको लेके? हाँ आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं आधे घंटे में आ रहे हैं, एक घंटे में आ रहे हैं, बस ऐसे कह देते। कितने दिन हो गए आपको शिकायत दर्ज किए? हो गए मैंने तो हर 15 दिन में जाते हैं, ये तो बहुत दिन से भरा हुआ, 8-10 साल से गली भरती है, तो रोज ही जा रहे हैं। यहाँ राजेश गुप्ता, नीतू आजाद, इनको कंप्लेंट करके थक चुके हैं, कोई कार्रवाई कुछ नहीं है, जाते हैं तो उल्टा भगाते हैं वहाँ से, क्या कर लेंगे, क्यों परेशान कर रहे हो यहाँ पे, पब्लिक खट्टा क्यों कर रहे हो यहाँ पर, भीड़ मत लगाओ जाओ। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो यहाँ लाखों की संख्या में लेके लोग आते हैं कि भाई चलो वोट मांगने चलो, और जब हम अपनी कंप्लेंट लगाने जाते हैं तो मना कर दे, उस चीज़ को कोई हल ही नहीं है, 5 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, इसी गंदगी में रह रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, वो मेरी एक भाभी उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, गिर गई थी परसों यहाँ पे, उनका पैर फ्रैक्चर हो चुका, गिर के यहाँ पर पैर स्लिप हुआ, पैर फ्रैक्चर हो गया उनका, कार्रवाई कुछ है ही नहीं, बोलो समझते हैं नहीं, सुनते हैं नहीं, यहाँ करेंगे करेंगे, प्रोसेस में है, कंडर में है, जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके मना कर देते हैं, जब दिल्ली जल बोर्ड चले गए, सब जगह चले गए, कोई कार्रवाई कुछ नहीं है। पर क्या आ गया आपके पैर पे? ये हम अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रहे थे और यहाँ पैर फिसल गया, हम गिर गए। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं इससे आपको अभी तक? जैसे आपके घर के बाहर ही ये गंदा पानी भरा हुआ है, एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ही है, ये सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है, इससे बच्चों को खांसी जुकाम सर्दी पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, पीने का पानी नहीं आता, हमारा यहाँ सावर पंप लगा है उसमें पानी जाता है, गंदा पानी वो आता है, हम लोग पीते हैं, ये पानी जो हम लोग पीते हैं ये सप्लाई का नहीं पानी पीते हैं, सावर पंप लगा हमारा वो पानी पीते हैं, अब ये इतने दिन से है तो वो पानी नीचे जाता है, वो खींच के फिर वही पानी हम लोग पीते हैं। क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, आपके जो बच्चे पढ़ने को आते हैं उसमें क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है? मैं तो एनी टाइम यहाँ पे सीवर भरा ही मिलता है, हर दम जब भी आओ ना तभी भी सीवर, मैं तो 2 बार बच गई हूँ गिरने से यहाँ पे, और इतना गंद देखना यहाँ पे आपको खुद को दिख रहा होगा, आपको बच्चों को लेके आने में तकलीफ होती है, बच्चे गिर जाते हैं गंदे पानी में, हमको खुद तकलीफ होती है, हम खुद गिरते गिरते बच जाते हैं काफी बार। जैसा कि अभी तक हमने निवासियों से यहाँ पे बात की तो उन्होंने बताया
बताया कि यहाँ पे इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो इलेक्शन के टाइम पे तो यहाँ खूब ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही वो चार पाँच दिन बीतते हैं तो उन्हें मालूम नहीं रहता कि इधर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी यहाँ पे घटनाएं सामने आ रही है। जैसे हमने एक यहाँ पे एक महिला से बातचीत की जिनके पैर में फ्रैक्चर हो चुका है, और एक हमें ये भी बात सामने पता चली कि जैसे यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनके भी रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ के निवासी जितनी बार भी अपनी कंप्लेन लेके सरकारी ऑफिस में गए हैं, या तो उनके साथ कोई मारपीट की गई है या तो उनसे कोई गलत तरीके से बात किया गया है, अभी तक उनका पक्ष सही से जानने की ना ही उन्होंने कोशिश की है, ना ही उनकी समस्या को लेकर कोई कार्रवाई हो रही है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों का स्कूल भी है, तो उनको आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, उनके माओं को इतनी दिक्कत हो रही है। हम आपको बता दें कि ये समस्या पिछले 15-20 दिन से नहीं बल्कि 4-5 साल से है, लेकिन कुछ हद तक वो समस्या ठीक थी, लेकिन 15-20 दिन से जैसा कि हमें निवासियों ने बताया कि उन्होंने आपस में पैसा इकट्ठा करके इस गंदगी को साफ कराया है। अब आप भी इस मामले को लेकर पूरी प्रक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं यश सानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।